महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खटीकवाड़ा क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर महादेव 84 महादेवों में 52वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राकृत कल्प में भगवान शिव के मुख से एक पीली आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने शिवजी से निवेदन किया कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब शिवजी ने कहा कि स्वयं की आत्मा का विभाजन करो। इस पर वह पुरुष अंतर ध्यान हो गया। तब वह तीन रूप ऋक, यजु और साम नाम से प्रकट हुआ। शिवजी ने उसे ओंकार नाम दिया। उस पुरुष के हृदय से वस्त्रकार के रूप में 24 अक्षर वाली गायत्री उत्पन्न हुई। उसके 6 कुक्षी, 3 पांव और 5 सिर थे। वह ओंकार के पास आकर बैठ गई। उसे संसार में सावित्री भी कहते हैं। तब शिवजी ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी। उन्होंने तदुपरांत 33 देवता और मनुष्य उत्पन्न किए। वही ओंकार सृष्टि का उत्पादक, रक्षक और संहारक है। ओंकार से ही वेद, यज्ञ, ज्ञान, तप, ब्रह्मा, वायु, विश्वेश्वर, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, प्रजापति, सप्तऋषि, अष्टवसु, अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, पिशाच, चारों वर्ण, पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुए। सृष्टि उत्पन्न कर ओंकार फिर शिवजी के पास गया और निवेदन किया कि उसे कोई उपयुक्त स्थान दिया जाए। शिवजी ने उन्हें महाकाल वन में सूलेश्वर के पूर्व में स्थान दिया। ओंकार इस लिंग के पास गया और उसी में समा गया। तब से यह लिंग ओंकारेश्वर कहलाया। ओंकारेश्वर के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वह चारों वेदों के अध्ययन से भी अधिक है। ओंकारेश्वर के पूजन से मुक्ति मिलती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।